नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे विकीबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाजपेयी अडवाणी जैसे नेताओं की वजह से आज भाजपा सत्ता में, नितिन गडकरी की राय। गडकरी ने भाषण देने के अलावा दूसरा कुछ किया ही नहीं, ऐसा कहते हुए धर्मपाल मेश्राम ने साधा अमोल गडकरी पर निशाना। और नागपुर आरपीएफ टीम द्वारा मुंबई से फरार आरोपी का पर्दाफाश, चोरी का 13 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त। अब खबरें विस्तार से। कल नागपुर में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने भाजपा की ताकत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी जैसे नेताओं को दिया। गडकरी ने कहा कि अटल, अडवाणी जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य में बीजेपी सत्ता में आई है। वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, मैं पहली बार जब हमारे पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था तो उस समय पार्टी की हालत बहुत खराब थी। शाम को कार्यक्रम था, एमसी छगला का साहब का भाषण हुआ था, तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्हें कहा था कि मैं देख रहा हूँ सूरज डूब रहा है समुद्र का, तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जब ये कह रहे थे तो सबको विश्वास हो गया कि आज स्थिति नहीं पर एक दिन ऐसा आएगा। और देखो, अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अनेक कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हमारी सत्ता आई, राज्यों में सत्ता आई, जनता ने हमको समर्थन दिया। वो राजनीति थी, पर जैसे ये सामाजिक कार्य भी है उसमें आप सब लोगों से, आप सब लोगों की प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा कि आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे, आप सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनेंगे, आदर्श समाज के अंग बनेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और निश्चित रूप से देश के नागरिकों को आपका अभिमान होगा। वो दिन अब दूर नहीं है, वो नज़दीक आने वाला है और आपके प्रयासों से जल्दी नज़दीक आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हुए आज नागपुर के संविधान चौक पर जिला परिषद प्राथमिक शिक्षक संगठन द्वारा भव्य मोर्चा निकाला गया था। इस वक्त जिला परिषद के शिक्षकों ने 13 मांगे सरकार के सामने रखी, जिसमें पेंशन योजना भी शामिल है। इस मोर्चा में जोरदार नारेबाजी भी की गई, जबकि बड़ी संख्या में शिक्षकों का सहभाग देखने को मिला और महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी। नमस्कार, मी लीलाधर सोनवान, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र पूर्वगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना। आज आम्ही सर्व जिल्हा परिषद शिक्षकांनी शासनाकडे एकूण 13 मागण्या केलेल्या आहेत। जिल्हास्तरीय आमच्या 7 मागण्या आहेत। शासनाला वारंवार मागणी करून सुद्धा 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली नाही आहे। जुनी पेन्शन हे सर्व कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, ते त्यांना मिळालंच पाहिजे। वारंवार निवेदन देऊनही शासन आमचं ऐकत नाही, करिता आम्ही आज भव्य दिव्य मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। आजही आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही, यापुढे आम्ही आमरण उपोषण करायला पण तयार आहोत। शासनाला आमची विनंती आहे की आम्ही आमच्या पॉम्पलेटद्वारे 17 मागण्या त्यांना दिलेल्या आहेत, त्या पूर्ण कराव्या। त्यामधील महत्त्वाची मागणी तर आमची जुनी पेन्शन हक्काची आहेच, परंतु शिक्षकांना जे अशैक्षणिक कामे दिली जातात, सध्याचं म्हणजे बीएलओचं काम आहे, यामध्ये इलेक्शन कार्ड हे आधार कार्डला अटॅच करायचं आहे। समजा ही कामं शिक्षक करत राहिली तर विद्यार्थी कसे शिकतील? आपण शिक्षकांची नियुक्ती फक्त विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी केलेली आहे, तर अशा प्रकारचे बीएलओचे कामं, नवीन मतदार ॲड करणे, नंतर आधार कार्डला इलेक्शन कार्ड लिंक करणे, अशा प्रकारची जर शिक्षकांना कामे दिली तर शिक्षक ह्या कामात गुंतून जातील, प्रगती कशी होईल? शासनाची अपेक्षा आहे की विद्यार्थ्यांची प्रगती दिसली पाहिजे, पण अशा प्रकारचे उपक्रम जर, अशा प्रकारचे कार्यक्रम जर राबवत गेले तर विद्यार्थी घडणार नाही,
सोबत शाले पोषण आहाराची मागणी आमची आहे की हे काम मुख्याध्यापकांकडे कळवून टाका. कितीतरी मागण्या आम्ही कितीदा तरी आम्ही निवेदन दिलेले आहेत, तरीसुद्धा अजूनपर्यंत आमची ती मागणी पूर्ण झालेली नाही आहे. विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देता देता आम्ही शाले पोषणाकडे लक्ष कसे देणार आहोत? जर विद्यार्थ्यांना शाले पोषणातून विषबाधा झाली तरी शिक्षकांवर दोष येतो. कितीही झालं तरी शिक्षकांवर तुम्ही जोर करत आहात. जर तुम्हाला शैक्षणिक गुणवत्ता पाहिजे तर 10 ते 5 फक्त शिक्षकांना अध्यापनाचं कार्य दिलं पाहिजे. ते जर अध्यापनाचं कार्य झालं तरच विद्यार्थ्यांची प्रगती दिसून पडेल. अन्यथा असे किती उपक्रम आपण राबवले तरी त्याचा आउटपुट काही मिळणार नाही. तरी माझी शेवटी शासनाला विनंती राहील की आमच्या ज्या 17 मागण्या आहेत त्या पूर्ण कराव्या. व हा मोर्चाला आम्ही सर्व शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दिलेला आहे. सर्व शिक्षक संघटना या मोर्चामध्ये इन्क्लूड आहेत. धन्यवाद. आम्ही नागपूरचे सर्व जिल्हा परिषद नागपूरचे इन्क्लूड. नागपूर जिल्ह्यातून आलेले मी लीलाधर सोनवाने, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र पूर्वी प्राथमिक शिक्षक संघटना. यामध्ये टोटल 7 संघटना इन्क्लूड आहेत. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, त्यानंतर मागासवर्गीय प्राथमिक कर्मचारी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र पूर्वी प्राथमिक शिक्षक संघटना, केंद्रप्रमुख व पदवीधर शिक्षक संघटना, दिव्यांग कर्मचारी शिक्षक संघटना, शिवाजी प्राथमिक. बिजली के झटके से किसान की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है. परिजनों ने बताया कि खेती में नुकसान होने से वे कुछ दिनों से परेशान थे. मृत किसान का नाम गणेश मांडेकर बताया जा रहा है. 18 अगस्त को गणेश मांडेकर खेत से घर लौटे. जब परिवार के सदस्य घर में थे तब गणेश मांडेकर बाहर थे. अचानक एक चीख सुनाई दी और गणेश मांडेकर लेटे हुए दिखाई दिए क्योंकि उन्हें करंट लग गया था. उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई. मृतक गणेश श्रवण जी मांडेकर के पास 6 एकड़ खेत है और उन पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है. उनके खेत में 2 बार पानी भर गया था. सिर्फ सोयाबीन और कपास को नुकसान हुआ है. इस वजह से उसके पिता ने कहा कि वह मुश्किल में थे. ऐसी चर्चाएं भी है कि परेशानी के चलते उसने आत्महत्या की. बिजली के झटके से गणेश मांडेकर की मौत हो गई. भजे पूर गेले 2 वावरातून तर ते त्याच्यामुळे तो त्या काम नाही करे आणि बाळाचं का भाग गेलं हे झालं असं करत नाही. त्यामुळे का परिणाम नाही केला झाला का नाही तर त्याचा काही हे नाही. तर ते आम्ही इथंच होतो. तिकडून आलो तर काय कलावातून आलो धावत ते व्यवस्थ पडला होता. हे पाहिलं तर लाईटानं ह्या लाईटाचं हे करत होतो त्याच्यानं. आणि ह्या म्हणा पूर झाले 2 तर त्याच्यानं असं भाऊ खरडून नेलं. त्याच्यानं तो असं बैताडल्यासारखा करे आग गेलं असं झालं. त्याच्यानं सावंगी मेघे पोलीस स्टेशन हद्दीतील मौजप पडेगाव या ठिकाणचे राहणारे गणेश श्रावण माडेकर हे दिनांक 18/8/2022 रोजी त्यांच्या घरासमोरील अंगणातील इलेक्ट्रिसिटीचा लाईट लावत असताना त्यांना इलेक्ट्रिसिटीचा धक्का बसला आणि त्यावेळी त्यांना उपचारकामी सावंगी मेघे रुग्णालय या ठिकाणी उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. उपचारार्थ दाखल करत असताना त्यांना मृत घोषित करण्यात आलेलं आहे. सदरबाबत सावंगी मेघे पोलीस स्टेशन येथे मर्ग दाखल आहे. सदर मर्गच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे. सचिव धर्मपाल मेश्रामने राष्ट्रवादी काँग्रेस विधायक अमोल मिटकरी पर निशाना साधा. उन्होंने इस वक्त कहा कि राष्ट्रवादी काँग्रेस के नेता और अमोल मिटकरी ने भाषण देने के अलावा आज तक दूसरा कुछ किया ही नहीं है. उन्हें सेवा भाव नहीं समझता. ऐसे कहते हुए उन्होंने अमोल मिटकरी और राष्ट्रवादी काँग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा. मी अनेकदा म्हणलेला आहे की अमोल मिटकरी हा राजकारणातला थिल्लरपणा आहे. आता तर ते सत्ता महाविकास आघाडीची जाताबरोबर एक वैफल्यग्रस्तता, एक वैमनस्कता अमोल मिटकरींमध्ये प्रवेश केलेली आहे आणि त्याच्या पोटीस ते अक्षरशः बरळायला लागलेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी किंवा अमोल मिटकरींनी भाषणाच्या पलीकडे आजवर कोणतंही काम केलेलं नाही. त्यांना सेवाभाव कळत नाही. रक्त तुला करताना हे जे रक्त आहे ते एखाद्या पेशंटच्या कामी, एखाद्या रुग्णाच्या कामी येईल, त्याचा जीव वाचवता येईल ही भावनाच कधी त्याची राहिलेली नाही आहे. निवळ भावविवेश होऊन आवेशात भाषणं करणं आणि लोकांना भूलभुलैया करून आपल्या सत्तेची पोळी शेकणं एवढंच काम करणाऱ्या अमोल मिटकरींना त्यातला सेवाभाव कळणार नाही. आणि त्यामुळेच मी म्हणलेलं आहे
की वैफल्यग्रस्तता है, ही त्यांची वैमनस्कता है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। राखी जैसे त्योहार में 68 ट्रेनें रेलवे केंद्र सरकार ने बंद की थी, जिसके बाद लाखों प्रवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार फायदा तथा स्टॉक करने के हेतु सभी ट्रेन बंद करके सैकड़ों कोयले की मालगाड़ी छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र में आ रही थी। इसका भारी विरोध हो रहा था। कुछ दिन पूर्व ही मालगाड़ी ट्रेन से टकरा कर अनेक यात्री घायल हुए थे। सलाहकार समिति भैरूमल गोपलानी बोल रहा हूँ। रेलवे के नियम एकदम बहुत बेकार नियम है। अभी बीच में राखी के सीजन में 68 ट्रेनें बंद कर दी गए थे, जबकि कोई काम नहीं चल रहा कहीं। इनको सिर्फ माल कोयला पहुंचाना पड़ रहा है और नाम कर रहा है कि इंटरलॉकिंग हो रही है। कोई इंटरलॉकिंग कहीं काम चालू नहीं है। अभी 21 तारीख से फिर अभी 30 तारीख तक ट्रेनें बंद है। बोलते हैं बिलासपुर और झारसुगड़ा के बीच में इंटरलॉकिंग है, कोई काम चालू नहीं है। जबरदस्ती पब्लिक को परेशानी हो रही, यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही, हमको मालूम कि यात्रियों को, रेलवे वाले समझते नहीं यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। आए दिन बोलते हैं इंटरलॉकिंग है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, कई काम दिखता नहीं है, और इंटरलॉकिंग का बहाना करके पूरी मालगाड़ी ढकल रहे, पूरी मालगाड़ी ढकल रहे। सर अभी जो गाड़ी मालगाड़ी पे इतनी मालगाड़ी चलाई जा रही है, मालगाड़ी कारण वो भगत की कोटी बेचारी टकरा गई। आए दिन बेचारे 75 लोग जख्मी हो गए। अब जिनको जख्मी हो तो बेचारों को बहुत ये हो गया है। अब कौन नहीं भुगतान होगा, आदमी को भुगतना पड़ेगा ना। रेलवे तो सब हवा बोल के पल्ला झाड़ देती है। इतनी मालगाड़ियाँ चल रही है आने जाने के लिए। अब डोंगागढ़ आउटर पर 1-1 घंटा गाड़ी खड़ा कर रहा है, 1-1 घंटा यात्री रायपुर से आने के लिए 4-5 घंटे लग रहे हैं, जबकि 3 घंटे लगते हैं, 5-5 घंटे लग रहे हैं। यात्री कितनी बैठ बैठ के परेशान हो रहे हैं, रेलवे वाले कोई देख नहीं रहे, तो चुपचाप बैठे हैं। तो ये गाड़ियाँ चालू होना चाहिए क्या? गाड़ियाँ पब्लिक के चालू होना चाहिए। पब्लिक को कितनी परेशानी है, और जब रेलवे अधिकारी बैठे पता चले कितनी पब्लिक को परेशानी है। सिर्फ बैठे रहते हैं और कोई देखते नहीं है। और जनरल बोगी देखो तो एक तरफ रहता है, एक तरफ जनरल बोगी नहीं रहती। जब से लाल रेखा है तो एक तरफ जनरल बोगी है, दूसरी तरफ जनरल बोगी नहीं है। पब्लिक पीछे बैठी है तो जनरल बोगी आगे आ रही है। जब तक जाया जाए तब तक पब्लिक की गाड़ी छूट जाती है, इतनी परेशानी है। लाल रेख में दोनों तरफ जनरल बोगी लगाया जाए, यात्रियों को सुविधा हो। रेलवे का नियम क्या है कि यात्रियों को सुविधा देना है, सुविधा नहीं दे रही है, उल्टा परेशान कर रही है रेलवे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि देश की जनता, देश के यात्री, जो सुगम साधन है ट्रेन, वो बार बार बंद किया जा रहा है, 8-8 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अदानी जी को कोयला स्टॉक करने के लिए ये ट्रेनें बंद कर रहे हैं,
जनता को तकलीफ दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि अपना दोस्ती अपने अलग निभाइए, लेकिन देश की जनता को दोस्ती निभाने के लिए त्राई त्राई होने में मजबूर मत कीजिए। मैं गोंदिया रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, उसके नाते हमारी टीम ने गोंदिया रेलवे स्टेशन मास्टर से कई बार बात किया। वो बोलते हैं भैया हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, ये वैष्णव जो रेल मंत्री है इनको हटाइए और दोबारा जो रेल मंत्री पहले थे पीयूष गोयल उनको लाइए, क्योंकि इनकी नीति बराबर नहीं है। हो सकता है इनकी नीति में आप भी सहयोग कर रहे हो, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर कोयले की गाड़ियाँ जा रही है मान लो ट्रैक पे, तो उसके लिए आगे पीछे ट्रेन चल सकती है। एकदम से 8-8, 10-10 दिन बंद करना, बार बार बंद करना, जनता में त्रायता ही हो रही है। जनता कुछ बोल नहीं पा रही है, क्यों नहीं बोल पा रही है कि विपक्ष की नाकामी है। विपक्ष की नाकामी के कारण आपको चुनके दे रही है जनता, तो ऐसा मत सोचिए। ये परिवर्तनशील संसार है, दुनिया में परिवर्तन होता है। आज आपकी सरकार है, हो सकता है कल आपकी सरकार नहीं रहे, आपकी सरकार ज़्यादा दिन चले और 5 साल जीते, उसके लिए जनता को तकलीफ कम से कम दीजिए। जनता तकलीफ सहने लायक नहीं होती। किसी को कहीं जाना है, बड़े अर्जेंट काम से जाना है तो ट्रेन, अभी बीच में जो राखी का त्यौहार था उसमें भी कई दिनों तक ट्रेन बंद करके रखा था, भाई को बहन से, बहन को भाई से त्यौहार मनाने के लिए जुदा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जनता आपको कोस रही है, आप उसको ध्यान दीजिए। देश की जनता की बदवा मत लीजिए, हाय शराब मत लीजिए, ट्रेनों को सुगमता पूर्वक चलाने दीजिए। मेरी आपसे अपील है, विनती है। कल हमने पेपर में पढ़ा 21 तारीख से 30 तारीख तक के ट्रेनें बंद की जाएंगी, यानी देश को तो तुम बिल्कुल पंगु बना दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेनें बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनें बंद हो जाएगी तो आदमी कैसे जाएगा कहीं भी। आवागमन का सस्ता साधन एक ट्रेन ही है, बसों से आवागमन होता नहीं है और प्राइवेट वाहनों से पैसे वाले चले जाएंगे। गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता ट्रेन से जाती है, कृपया आप ट्रेन बंद मत होने दीजिए। ट्रेनों का रद्द होना जिससे आम आदमी को काफी परेशानी हो रही है, जैसे कि अपने देखे पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कई रेलवे बंद थी, लेकिन अब जब सामान्य जीवन सुरहित अच्छे से चालू हो रहा है तो ऐसे में त्यौहार के समय में रेलवे का यह निर्णय लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि लोग 2-4 महीने पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि हमको कहीं जाना है और रक्षाबंधन और भी त्यौहार है जैसे में लोग अपने घरों में जाते हैं, लेकिन रेलवे के यह अचानक निर्णय से सामान्य नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जबकि जमाना आगे बढ़ रहा है, सभी सुविधा युक्त करके और ट्रेनें ज़्यादा चलाना चाहिए, तो इसके बावजूद ट्रेनें रद्द करके सामान्य नागरिकों को परेशानी हो रही है। जबकि लोग रेलवे का सफ़र को सुरक्षित मानते हुए 2-2 महीने 3-3 महीने पहले से रिजर्वेशन करते, अपने प्लानिंग करते, उस हिसाब से उनको सुविधा जाए, लेकिन रेलवे के यह निर्णय से सामान्य नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिससे रेलवे तुरंत चालू करके सामान्य नागरिकों को अपनी आने जाने की सुविधा मिले, ऐसे रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए। श्री राम जानकी महिला मंडल द्वारा कामठी स्थित श्री राम मंदिर में श्रावण मास एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 56 भोग एवं गोपाल काला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इस समय छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप धारण कर नृत्य सादर किया। श्रावण महिना सुरू आहे आणि कालच नेमकी गोकुळाष्टमी होऊन गेलेली आहे, तर गोकुळाष्टमी निमित्त आम्ही हा 56 भोगचा कार्यक्रम ठेवला आहे। आम्ही दरवर्षी असे विविध कार्यक्रम घेत असतो इथे राम मंदिरमध्ये। आमचा श्रावण महिन्याचा रोज सकाळी शंकराचा अभिषेक असतो, संध्याकाळी भजनं असते, शिव महापुराण पोथी असते, भजनं असतात, संकीर्तन असते, जप असतो, दर शनिवारी सुंदरकांड असते, असं आम्ही सारखे कार्यक्रम घेत असतो। यावर्षी हा कार्यक्रम घेतलेला आहे मी आता 56 भोगचा। आज आरपीएफ 3 नागपूर द्वारा 13 लाख की चोरी के आरोपी को मुद्देमाल के साथ गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन अंतर्गत 13 लाख रुपए की चोरी करने के बाद फरार हुआ था, जिसके बाद आरपीएफ 3 द्वारा गीतांजलि एक्सप्रेस में इस आरोपी को हिरासत में लिया गया।
निरीक्षक RPF नागपुर को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन मुंबई से सूचना मिली कि एक अपराधी 13 लाख रुपए चोरी कर ले गया है और वह गीतांजलि एक्सप्रेस से जा रहा है। यह सूचना निरीक्षक शेगांव अकोला व बडनेरा को दी गई, जहां नाकाबंदी भी की गई। इस पर निरीक्षक वर्धा स्टाफ को साथ लेकर गीतांजलि एक्सप्रेस में वर्धा से चढ़कर गाड़ी को चेक करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और RPF थाना नागपुर लाया गया। उसके बैग को चेक करने पर उसमें चोरी का माल पाया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का मुद्देमाल जब्त किया है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। नागपुर के नंदनवन इलाके में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री किशोर दिंडोरवार द्वारा भव्य दही हंडी उत्सव मनाया गया, जिसमें लगभग 9 से 10 गोविंदा पथक ने हिस्सा लिया, जबकि इस बार के आयोजन में महिला गोविंदा पथक का होना सबसे बड़ा आकर्षण रहा। राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से भव्य दही हंडी उत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश के विकास पुरुष एवं केंद्रीय मंत्री नागपुर के सांसद नितिन गडकरी, रामटेक लोकसभा एवं शिंदेगढ़ के सांसद कृपाल तुमान, पूर्व नागपुर के सांसद कृष्णा खोपड़े, दक्षिण नागपुर के सांसद मोहन मते, विधायक प्रवीण दटके, कांग्रेस के महाराष्ट्र सचिव उमाकांत अग्निहोत्री, नगर सेवक बंटी शेलके, नगर सेवक हरीश डेकोंडवार और सभी पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस कार्यक्रम में नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे और लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। इस दही हंडी को फोड़ने के लिए लगभग 9 से 10 गोविंदा पथकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शहर के नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रांत प्रभारी लाल चौधरी द्वारा किया गया। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।